आज हम लोग भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है उस पर बात करेंगे। बात संक्षिप्त में ही करेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, बात संक्षिप्त में ही करेंगे और वक्त अगर हुआ तो हाल फिलहाल इस रचना से जो भी सवाल पूछा गया होगा, पिछले साल शायद पूछा गया है, वह हम उस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे। तो पहले यह समझते हैं कि यह भारत भारती, इसकी रचना होती है 1912 ईस्वी में। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रकाशन है 1912 ईस्वी का, तो एक बात आप लोग समझ लें, साहित्य की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि वह अपने जीवन और ज़माने से जुड़ा होता है, अपने समय और समाज को पहचानने और पकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए देखेंगे कि यदि आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य और इतिहास इसका बड़ा ही आपस में एक प्रामाणिक सा संबंध है, एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। यदि आप किसी भी समय के इतिहास को, कालखंड को इतिहास के तौर पर पढ़ते हैं और यदि उसी कालखंड का वर्णन करने वाला, उसकी प्रामाणिकता से वर्णन करने वाला साहित्य आप पढ़ेंगे तो आपने इस इतिहास को पढ़ते हुए जो ज्ञान या विवेक अर्जित किया होगा, जो खाली में ज्ञान की बात ही नहीं कह रहा हूँ, एक समझ या बोध या विवेक जो आपने अर्जित किया होगा साहित्य के पढ़ने से, उसी समय के आपके उस इतिहास के ज्ञान या विवेक या बोध में एक पैनापन आएगा, एक इजाफा होगा। यही बात वाइस वर्षा इनके लिए कही जा सकती है कि यदि आप किसी कालखंड का इतिहास जानते हैं और तब आप उस कालखंड के साहित्य को पढ़ेंगे तो साहित्य को भी आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, आपको वह ज़्यादा और ग्राह्य हो जाएगा और आपके लिए वह और ज़्यादा रोचक हो जाएगा। तो साहित्य और इतिहास का अपना यह प्रामाणिक संबंध है, इसलिए छोटे स्तर पर भी, जनरल स्टडीज़ वगैरह में भी जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत शुरुआत में आप लोग इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं और स्रोत में एक स्रोत साहित्य का होता है, लिटरेचर का। और वह स्रोत क्यों है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह जिस समय का साहित्य है इसमें उस समय की चीज़ें आपको दिखाई पड़ सकती हैं, उसकी अनुगुंज सुनाई पड़ सकती है। यह साहित्य और इतिहास का संबंध है। तो अब जरा सा हम यह देखें कि यह रचना जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई है भारत भारती, यह जो समय है वह भारत में किस प्रकार का समय है। यह 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर का काल है और भारत में कुछ बड़ी घटनाएं और दूसरे हिस्सों में भी, भारत के बाहर भी कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक तो भारत में आप सबको पता होगा कि 1905 ईस्वी में बंग भंग विरोधी आंदोलन होता है और इस बंग भंग विरोधी आंदोलन के साथ साथ स्वदेशी के लिए एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत होती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर एक फूट होती है, सूरत विभाजन होता है और कांग्रेस में दो धड़े, नरम दल और गरम दल। 1908 ईस्वी में आप देखते हैं कि लोकमान्य तिलक को सजा मिलती है और 6 सालों के लिए 14 तक उन्हें मांडले जेल बर्मा में भेज दिया जाता है। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं देश के भीतर। दूसरी तरफ रूस जापान युद्ध वगैरह होते हैं जिसमें एक छोटा सा एशियाई देश रूस को परास्त कर देता है। इन तमाम चीज़ों का एक प्रभाव पड़ रहा होता है, यानी भारत में 1857 के बाद से अंग्रेजों की मुखालफत और उनके विरोध में, उनके खिलाफ जो भी आंदोलन हो रहे हैं, अब वह ज़्यादा बेहतर आकार लेने लगता है। अब भारत में वह ज़्यादा बेहतर आकार लेने लगता है और राष्ट्रीयता, अब भारत के लिए एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बहुत समझ विकसित होती है। राष्ट्रीयता क्या है, वस्तुतः राष्ट्रीयता राष्ट्र के लिए चिंता करना है। और यह हमेशा ध्यान रखें कि राष्ट्रीयता राष्ट्र के लिए चिंता करना है तो उस चिंता में यह बात भी शामिल होती है कि अगर राष्ट्र में कुछ बुरा है, कुछ गलत है, कुछ अशुभ है,
कुछ अस्वस्थ है तो उसके विषय में भी कहना बोलना ताकि वह ठीक किया जा सके, वह वास्तव में राष्ट्रीयता है। अगर हम अपनी बुराइयों या कमजोरियों को छिपा दें और केवल राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाएं तो वह राष्ट्रीयता नहीं है, वह किसी तरीके से राष्ट्र को हानि पहुंचाने जैसी बात है। तो हम लोग भारत भारती पर चर्चा कर रहे हैं, 1912 की रचना है और यह भारत भारती हिंदी साहित्य में जिसे हम लोग द्विवेदी युग कहते हैं उस द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग कहते हैं उस द्विवेदी युग की रचना है। इस द्विवेदी युग में क्या होता है कि जो आधुनिक काल भारतेंदु काल से शुरू होता है और जो नवजागरण की चेतना पैदा होती है उस नवजागरण की चेतना का और विकास होता है। तो भारतेंदु काल और द्विवेदी काल की एक बहुत बड़ी शक्ति है नवजागरण की चेतना का विकास। तो कुछ मिनट के लिए हम लोग यह थोड़ा सा देख लें कि भाई नवजागरण क्या है, खास करके हमारे हिंदी साहित्य और देश के विषय में नया जागना क्या हो सकता है। यह प्रथम जागरण नहीं है। नवजागरण के मोटे मोटे तत्वों को थोड़ा सा जान लें जिससे कि भारत भारती को समझने में और उसी नवजागरण के जरिए भारत भारती को समझ कर संभवतः भारत भारती से पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। तो नवजागरण क्या होता है, नए सिरे से जागना, यानी इसका अर्थ यह जरूर होगा यह प्रथम जागरण नहीं है, यह नया जागरण है। अगर यह नया जागरण है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी कोई जागरण रहा होगा और शायद बीच में ऐसा कोई फेज आ गया होगा कि कोई राष्ट्र या मनुष्य या समाज वह सुषुप्तावस्था में चला गया हो, कुछ देर के लिए सो गया हो। तो नवजागरण किसी देश के मामले में अगर यह समझे तो इसका अर्थ यह जरूर होगा कि कोई ऐसा देश हो जिसका इतिहास या अतीत या जिसकी विरासत वह बहुत शानदार रहा हो, जिसका इतिहास या अतीत या उसकी विरासत वह बहुत शानदार रहा हो, ऐसा रहा हो जिस पर गर्व किया जा सके, गौरव किया जा सके, जिसको याद करने पर हमारी गर्दन ऊंची हो जाए, वहाँ ऐसे मूल्य रहे हों, ऐसी मर्यादाएं रही हों, ऐसी उपलब्धि रही हो, और दूसरी बात यह हो सके कि वह जहाँ रह रहा है, चूंकि हम उस समय की जागरण की बात कर रहे हैं यानी उसका जो वर्तमान हो, वह किसी कारण से पतनशील हो गया हो, नीचे गिर रहा हो, हीनता का शिकार हो। यानी नवजागरण की एक परिस्थिति यह होनी चाहिए कि एक ऐसा राष्ट्र या देश या समाज हो जिसके शानदार वैभव वाले अतीत या विरासत रहे हों, लेकिन वर्तमान उसकी परेशान हो और उस परेशानी को खत्म करने या उस परेशानी को समझ कर ही फिर से उस शानदार विरासत को भविष्य में हासिल करने के लिए जो जगना होता है, जो आलोचनात्मक विवेक लाना होता है, वही नवजागरण है। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो, वह आपके साथ सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी में टॉप करता रहा हो, उसके मैथ्स साइंस ह्यूमनिटीज लिटरेचर ऐसे सब जगह वह अव्वल आता रहा हो, किसी कारणवश वह कोई भी कारण हो सकता है, और वह मान लीजिए कि किसी तरह के एडिक्शन का शिकार हो गया हो, ड्रग एडिक्ट वगैरह हो जाए 12वीं और उसके आगे के बीच में, यह बहुत सहज मुमकिन है आज की दुनिया में, और तब कुछ वक्त उसका गुजर गया हो जब तक कि पता चला हो पेरेंट्स को आपको दूसरों को और उसके रिहैबिलिटेशन की कोशिश की जा रही हो, उसके पुनर्वास की कोशिश की जा रही हो, तो वह जब पुनर्वास में होगा तो आप अगर एक सच्चे मित्र और हितैषी होंगे उसके तो रिहैबिलिटेशन में मिलने जाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, कह रहे यार तुम चिंता क्यों करते हो, तुम वह टॉपर हो जिसके क्या मैथ्स क्या साइंस क्या ह्यूमनिटी क्या लिटरेचर हर जगह अव्वल जो आते रहे, जिसकी कॉपियां हम देखा करते थे बहुत अच्छे तरीके से, अगर सर समझा भी देते थे और तब भी हमें कोई दिक्कत होती थी तो तुम्हारे पास आते थे और तुम तो उंगलियों पर चीज़ों को सुलझा दिया करते थे, ऐसा थोड़े ना है कि आज तुम बदल गए, यह एक बुरा वक्त था, इससे लड़ रहे हो, लड़ोगे तो फिर तुम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हो। इससे क्या होगा कि उस लड़के या उस लड़की या उस बच्चे के मन में यह भाव आएगा कि हाँ मैंने किया है
और इसलिए मैं कर सकता हूं। उसके अतीत इतने शानदार हैं कि उस अतीत से उसे बल मिल रहा है, उसका अतीत गौरवशाली है, उसका इतिहास शानदार है। तो अगर क्षत विक्षत वर्तमान है तो अतीत क्या करता है, वह शानदार अगर हो तो वर्तमान में ऊर्जा भरता है, वर्तमान की इन कमजोरियों से लड़ने की ताकत देता है, जिससे कि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो नवजागरण क्या है कि एक शानदार विरासत या अतीत हो और वर्तमान अगर राज समाज का पतनशील हो तो उससे ऊर्जा ग्रहण करके उससे लड़कर बेहतर भविष्य के निर्माण की कोशिश ही नवजागरण है। और यही चिंता या चेतना भारत भारती में दिखाई पड़ती है और इसी नजरिए से भारत भारती को देखे समझे जाने की जरूरत है। अब हम लोग सीधे भारत भारती की तरफ आते हैं। भारत भारती एक काव्य है, लेकिन यह काव्य कथा काव्य नहीं है। कथा काव्य नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ? यह कथा काव्य नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि इसमें जो कविता है वह किसी कथा की तरह नहीं आते। जैसे मान लिया रामचरितमानस भी काव्य है लेकिन वह कथा काव्य है। तुलसीदास जी ने वहाँ श्री राम की जिंदगी को, उसके जीवन, उनके जीवन को क्रमशः लिखा है, वह कथा का ताना बाना नहीं टूटता और क्रमशः कथा आगे बढ़ती है, वह काव्य है लेकिन कथा काव्य है। यहाँ कथा नहीं है, यहाँ भारत के अतीत और वर्तमान या उसके होने वाले भविष्य की कामना पर यह कविता लिखी गई है, इसलिए कथा काव्य न होकर विचार का काव्य है। वह भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करते हैं, यह विचार काव्य है। भारत भारती के तीन खंड हैं, वह जो किताब है, वह जो कविता है, वह तीन खंडों में बांटकर लिखी गई है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अब यह आप सिंपली इसे देखेंगे, गुप्त जी ने कहा है कि भाई हमारी पिछली जो स्थिति थी, यानी हमारी जो पुरानी स्थिति थी, प्राचीन स्थिति थी, और हमारी जो वर्तमान स्थिति है, उन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अंतर नहीं कहिए उसको, विपरीत स्थिति कहिए, विपरीतता कहिए, वैपरीत्य कहिए। यानी पहले हम अगर ऐसे थे, लगातार शिखर या ऊंचाई पर जा रहे थे, तो हम लगातार गर्त में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस किताब में मैं भारत की उसी परिस्थिति पर विचार कर रहा हूं, और इसलिए इस किताब के अतीत खंड की शुरुआत होती है प्राचीन के स्मरण से। और इस अतीत खंड में गुप्त जी दिखाते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था वह कितना शुभ था, कितना सुंदर था, कितना भव्य था, कितना दिव्य था, कितना शानदार था, ये तमाम बातें, यानी वह अतीत खंड में जिस भारत का वर्णन करते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। हम विज्ञान, तकनीक, सब चीज़ में, शिक्षा और तमाम तरह की चीज़ों में बढ़े हुए थे, और वर्तमान में चीज़ें ठीक उल्टी हो गई हैं। तो इस अतीत खंड में वह सबसे पहले भारत के लोगों को, भारत के विषय में अतीत के सामने वर्तमान को रखकर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। शुरुआत ही करते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। सभी कौन थे, अतीत खंड इसी कौन थे को देखता रहा तक हम कौन थे, क्या हो गए, वर्तमान खंड इसी जो हो गए हैं उसके विषय में लिखा गया है, और क्या होंगे अभी, या तो और नीचे जा सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक कवि, एक संवेदनशील रचनाकार, एक समाज सुधारक, वह भविष्य को और बुरा नहीं देख सकता, वह लिख इसलिए रहा है कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। तो क्या हो गए से क्या होने के लिए वह चिंता प्रकट करते हैं कि बेहतर कैसे हुआ जाए। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, सामूहिकता में समूचे भारत के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हम कहां थे और कहां चले गए। इन समस्याओं पर आज अगर विचार नहीं करेंगे तो पता नहीं कभी उस भारत को फिर पा भी सकेंगे या नहीं जिस भारत पर हमें नाज था। और आगे जब वो बढ़ते हैं तो उस भारत पर, जो प्राचीन भारत है, उस भारत पर उनको गर्व है, उनको गौरव है, वह उस भारत की उस विरासत को बचाए रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। वह भारतवर्ष को वृद्ध भारतवर्ष, यानी दुनिया में वह जिसने सभ्यता और संस्कृति की लौ जगाई,
वो इतिहास के उन क्षणों को याद करते हैं जिसको एक भारतीय के तौर पर हम आप कोई भी सुनकर उस पर मुग्ध होंगे, हमारी सिराओं में रक्त का संचार तेज होगा, हम वर्तमान की बुरी स्थितियों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। अच्छी विरासत हमें यही तो सीख देती है कि किन्हीं कारणों से अगर हम नीचे चले गए हैं तो चूंकि हम बहुत ऊंचे थे तो हम फिर से संघर्ष करके अपना वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुप्त जी कहते हैं कि हाँ, ये जो वृद्ध भारतवर्ष है वही संसार का सिरमौर है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। फिर वह प्राचीन काल के उन तमाम महानायकों के लिए कहते हैं, हम आखिर नीचे क्यों चले जाते हैं, हमारा आदर्श, हमारी नैतिकता, हमारे मूल्यबोध वह धड़क जाते हैं। इसलिए गुप्त जी याद करते हैं कि चाहे समय की गति उनके अनुकूल हो नहीं, हमारे जो महापुरुष हैं समय उनके खिलाफ भी था, जब समय खिलाफ होता है तो लोग समझौता कर लेते हैं, आदर्शों से बगल हट जाते हैं, मूल्य हीनता का शिकार हो जाते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि चाहे समय की गति अनुकूल उनके हो नहीं, किंतु एक से निश्चित हैं सिद्धांत उनके सब कहीं। समय बुरा है या अच्छा है यह आपके सिद्धांत ही नहीं करता, तब तो वह सिद्धांतहीनता है। और इसके चलते वह हमें उन नायकों से प्रेरणा लेने के लिए, उन नायकों से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए, उन नायकों के जरिए हमें वर्तमान से लड़ने के लिए शक्ति देने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में भारत चूंकि अंग्रेजी राज के अधीन है या अधीन था उस समय, तो अंग्रेजी राज के ज्ञान विज्ञान से आक्रांत भी हो रहे थे लोग कि हम तो पिछड़ी हुई सभ्यता हैं, ये औद्योगिक और तकनीकी सभ्यता हैं। तो शुक्ल भारत भारती में गुप्त जी ये याद दिलाते हैं कि विज्ञान में भी हम ही आगे बढ़े हुए थे। वो कहते हैं कि उन शुल्भ सूत्रों के जगत में जन्मदाता हैं हम ही। ये जो शुल्भ सूत्र हैं वैदिक साहित्य में, वो कहते हैं कि इन शुल्भ सूत्रों के जगत में जन्मदाता हैं हम ही, रेखा गणित के आदि ज्ञाता या विधाता हैं हम ही। यह शुल्भ सूत्र जिसके जरिए ज्यामिति सामने आती है, हम लोग एक गीत बहुत बचपन में सुनते थे महेंद्र कपूर जी का, देता नो शून्य, तो वह बार बार कहते हैं कि जो विज्ञान है वह विज्ञान क्या है, वह विज्ञान भी तो हमारे देश ने दिया, यह शुल्भ सूत्र अगर ना देता तो ज्यामिति कहां से आती, वह रेखा गणित विज्ञान उसके आदि ज्ञाता हम हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात से डरने घबराने या हीनता का शिकार होने की जरूरत नहीं है कि वह विज्ञान में बढ़े और चढ़े हुए हैं, नहीं, यह विज्ञान भी हमारी देसी उपज है। हम नकल में चले गए इसलिए शायद हमारी स्थिति बुरी हो रही है। इसलिए वो जो पश्चिम की अवधारणा, अच्छी चीजों का विरोध नहीं करते, लेकिन हम पश्चिम की नकल जो लोग करने लगे, वही सूट पैंट हैट की नकल, विचारों की नकल नहीं, उसके लिए भी वह कहते हैं कि गुणमात्र छोड़ हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वाह, हम नक्काल पूरे बन गए। गुण लेना है ना, किसी के वेशभूषा कपड़े लत्ते उसकी नकल करना वह टुच्चापन है, वह अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी है, वह आत्मविश्वास का अभाव है। अगर किसी में कोई अच्छाई है वह गुण के तौर पर होगा और वह गुण लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई गुण मात्र छोड़, इसी किताब में, हम उन्हीं में सन गए, ऐसी नकल की वाह, हम नक्काल पूरे बन गए। नकलची कभी प्रगति नहीं कर सकता, वह विज्ञान और तकनीक उसके विषय में सोचा जाए। तो इसलिए यह उस चीज की वर्तमान खंड में आकर वह आलोचना करने की शुरुआत करते हैं। वहां सब कुछ शुभ ही शुभ है, उस पर एक बात होगी जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं कि भाई वह जो अतीत काल में जाते हैं तो क्या गुप्त जी पुनरुत्थानवादी हो जाते हैं। यह ध्यान रखेंगे कि आगे भारत भारती से जो आने वाला सवाल होगा वह यह होगा, आप लोग नोट कर लें कि भारत भारती में नवजागरण और पुनरुत्थान के बीच क्या कोई तनाव दिखाई देता है। अपने तर्क 100 उदाहरण रखें। अभी तो जो सवाल आए वो पुनरुत्थान और नवजागरण के बीच के तनाव पर भी सवाल आएगा, उस पर हम लोग आगे कभी बात करेंगे, पहले इसे पूरा करते हैं। वर्तमान खंड का वर्णन जब वह करते हैं तो वह एक भारत की जो तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसा भारत है जो अध बेहोशी या अर्ध बेहोशी की हालत में है, एक ऐसा भारत जो छत विक्षत पड़ा हुआ है लेकिन अभी भी उसकी कुछ सांसें चल रही हैं। शुरुआत करते हैं वर्तमान खंड की कि यद्यपि हताहत गात से कुछ सांस अब भी आ रहे, शरीर हताहत है,
घायल है, यह भारत का वर्णन है, भारत के विषय में, एक देश के विषय में। एक देश क्या होता है? वहाँ की भूमि, वहाँ के लोग, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का आचरण, वहाँ का नियम नियम, वहाँ के नैतिक मानदंड, ये तमाम चीज़ें मिलकर तो एक देश का निर्माण करते हैं। तो वह उस देश के विषय में एक मनुष्य के तौर पर या उसका मानवीकरण करके चित्रण करते हैं कि यद्यपि हताहत गात से कुछ सांस अब भी आ रही, पर सोच पूर्वा पर दशा मुंह से निकलता है। शरीर से अभी कुछ सांस आ रही, हताहत हैं, लेकिन पीछे की दशा और अभी की दशा देखकर मुंह से क्या निकलता है कि वह जो जगत का मुकुट था, क्या यह वही भारत है? जब यह आप सोचेंगे, देखें, इसके पहले भारतेंदु ने भी भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा के विषय में लिखते हुए क्या लिखा था कि रोहू सब मिली के आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा अब नहीं देखी जाए। वहां वह रो रहे हैं। जब परिस्थिति को देखकर आप रोना शुरू करते हैं तो जागना शुरू करते हैं, और यहां भारत भारती में वह कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा है और रोने का निमंत्रण नहीं देते हैं। वह कहां से शुरू करते हैं, कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और विचारने का निमंत्रण देते हैं। तो यहां वह कह रहे हैं कि हताहत घात से कुछ सांस आ रही है, लेकिन इस भारत को देखकर अगर पिछले भारत को देखें तो लगता ही नहीं है कि यह दुनिया का मुकुट था जिसकी आज यह स्थिति है। तो यह स्थिति क्यों है? तो यह स्थिति क्यों है, क्योंकि एक तो औपनिवेशिक शासन है और उस शासन ने हमारी आर्थिक कमर तोड़ दी है, वह उसकी पड़ताल करते हैं, हमारी सामाजिक कमर तोड़ दी है, हमारी सांस्कृतिक कमर तोड़ दी है, और हमें एक होकर उस शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यह संदेश दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे कि वह वर्तमान की जो चिंता है उसका जो आकलन करते हैं वह बहुत ज़्यादा जमीन में या यथार्थ में पैबस्त होकर करते हैं। जैसे अंग्रेजों के राज में अकाल एक सामान्य सी घटना थी, नियम बन गया था। अकाल प्राकृतिक होता है, अगर बारिश नहीं हुई, खेत में फसल नहीं हुए, लेकिन उस अकाल के प्रभाव को सरकार घटाती है। जहाँ कहीं अकाल है वहाँ ऋण दिया जाएगा, तकावी दी जाएगी, खाने पीने के इंतजाम किए जाएंगे, पशुओं के चारे के इंतजाम किए जाएंगे, तो क्या होगा, अकाल का असर घटेगा। लेकिन जहाँ अकाल पड़ा हुआ हो, ऊपर से और टैक्स की कोई छूट ना दी जाए, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, तो कितने लोग मरेंगे। शुक्ल जी बताते हैं कि सैकड़ों सालों के युद्ध में दुनिया में जितने लोग नहीं मरे हैं इस किताब में, वह 10 सालों में भारत में अकाल में मर गया है, दुर्भिक्ष में मर गया है। वो लिखते हैं कि दुर्भिक्ष मानो देह धर घूमता हर ओर हो, अकाल स्वयं देह धर के या देह के रूप में ही सब ओर घूम रहा हो, हा अन्न का रव गूंजता घनघोर है। लोग अन्न अन्न चिल्ला रहे हैं, उसका स्वर गूंजता रहता है। ये स्थिति क्यों है? तो उस दौर में गुप्त जी एक तरह से भारत भारती के वर्तमान खंड में स्वदेशी के नारे को भी बुलंद करते हैं। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी बहिष्कार, इसका नारा भी वो बुलंद करते हैं, स्वदेशी अपनाओ का। वो कहते हैं कि भाई हर चीज़ अगर आप विदेशी पर निर्भर होंगे तो उद्योगों का विकास और विस्तार नहीं होगा, तो हम और पिछड़ जाएंगे। आप लोगों के इतिहास पढ़ते हुए ध्यान में होगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान पीसी राय जैसे लोगों ने बंगाल केमिकल्स वगैरह की स्थापना करके स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की। बल्कि बंग भंग के बाद जो स्वदेशी आंदोलन उसके खिलाफ पैदा हुआ, उसमें इस स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने पर बहुत बल दिया गया, और भारत भारती में गुप्त जी इसी स्वदेशी अपनाव का नारा देते हैं। वह कहते हैं कि भाई अगर सुई से माचिस और मशीन से लेकर चूड़ी तक हर छोटी बड़ी चीज हम बाहर से ही आयात करेंगे, तब तो भारत की स्थिति कभी सुधर ही नहीं पाएगी। वो धिक्कारते हैं हमें कि सुहाग का शुभचिन्ह जो चूड़ियां हैं, जो हमारी महिलाएं अपने हाथों में पहनती हैं, हमारी माताएं बहनें उनको अपने हाथों में पहनती हैं, जिनको सुहाग का शुभचिन्ह पुकारती हैं, वो चूड़ियां तक हैं विदेशी, देख लो बस हो चुका, भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका। यानी सौभाग्य के चिन्ह के तौर पर हाथों में पहनने वाली चूड़ियां तक हम लोग नहीं बना सकते, जो सुहाग है, जो हमारे अपने यहाँ की परंपरा और संस्कृति की निशानी है, वह भी हमारे यहाँ दूसरे देश से आ रहा है। आज भी हर दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि दिवाली के पटाखों की लड़ी से लेकर मोबाइल के बाजार तक, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति से लेकर, मतलब गणेश लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा इस देश में है, और दिवाली की मूर्तियां चाइना से आ रही होती हैं, चीन से आ रही होती हैं। तो ये जो बार बार ये स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, वह उस वर्तमान से उबरने के लिए, निकलने के लिए, इस वर्तमान में ये तमाम जो बुरी चीज़ें हैं उसकी खूब आलोचना करते हैं,
लेकिन जो पीछे है, अतीत है, वो बहुत भव्य है, दिव्य है, हमारी विरासत बहुत अच्छी है। तो हमें उनसे सीखना है कि हम फिर वहाँ तक कैसे पहुँचें, और तब वह भविष्य खंड में आते हैं, और भविष्य खंड में वह उद्बोधन लेकर आते हैं, यानी जगाने के लिए गीत करना, या प्रयाण गीत है एक तरह से, वह जगाने के लिए वह कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम लोग 30 करोड़ हो, अगर तुम लोगों में एकता हो तो कौन तुम्हारा जग में जोड़ हो। ऐसी स्थिति में वो सबको कहते हैं कि भाई जो अच्छी परंपराएं उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, पुरानी बातें ही अच्छी या भली हैं यह नहीं सोची जाए, परिस्थिति के हिसाब से लीक तोड़ा भी जाना चाहिए, और भविष्य खंड में वो अच्छे या भविष्य के खूबसूरत, सुंदर, बेहतर भारत के निर्माण के लिए कल्पना करते हैं। और कुछ हद तक वह इस मामले में भगवान की कृपा की भी इच्छा रखते हैं। अब एक छोटा सा, यह नवजागरण की संपूर्णता, इसलिए यह जो रचना है नवजागरण को संपूर्णता में समेट कर आता है। यहाँ देश की वंदना है, देश के गौरवमय अतीत या शानदार विरासत का उल्लेख है, वर्तमान की दारुण दशा का करुण वर्णन है, और सुनहले भविष्य के सपने हैं। इसलिए यह पूरी रचना नवजागरण की संपूर्ण चेतना को लेकर आती है। एक छोटी सी बात जिस पर हम लोग आगे भारत भारती में बात करेंगे, जो हमने कहा कि यहाँ जो नवजागरण है और पुनरुत्थान, इस पर एक आध मिनट हम लोग केवल, कि कभी कभी आरोप लगता है कि गुप्त जी अतीत खंड में जब बात कर रहे हैं तो वह आर्य जागरण या हिंदू जागरण जैसी बातें बार बार करते हैं, जिससे वह एकांगी हो जाता है नवजागरण, या वह पुनरुत्थानवादी हो जाता है। इस पर हम लोग दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आगे एकाध साल में भारत भारती पर शायद अगला सवाल यही हो कि भारत भारती में नवजागरण या प्रगति और पुनरुत्थान के बीच में एक तनाव या द्वंद्व है, क्या आप समझते हैं? सौदाहरण अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। आगे हम लोग इस हिस्से से जो पिछले साल प्रश्न पूछा गया है जरा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह प्रश्न है कि भारत भारती में वर्तमान की त्रासदीपूर्ण स्थिति, वैभवपूर्ण भव्य विरासत और उन्नत भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। हमने जो अभी बात की यह हूबहू वही बात है। खैर, आप उत्तर वहीं से शुरू करेंगे कि भारत भारती गुप्त जी की प्रतिनिधि रचना है और गुप्त जी द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती नवजागरण की चेतना से बंधकर हमारे सामने आती है, और इसलिए इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य, उसकी एक तारतम्यता में देश को झकझोरने या जगाने की दिशा में एक कोशिश देखी जा सकती है। नीचे आ जाएंगे, भारत भारती 3 खंडों में विभाजित है। अब आपको वर्तमान की त्रासदीपूर्ण स्थिति का चित्रण है, बिल्कुल है, यद्यपि मैंने वह चर्चा कर ली है, उसमें अनावश्यक समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप शुरू करेंगे कि इसका अतीत खंड, एक शानदार अतीत, एक भव्य विरासत, एक दिव्य विरासत, एक वैभवपूर्ण विरासत की बात करता है, जहाँ गुप्त जी की नज़र में सब कुछ शुभ था, स्वस्थ था, स्वच्छ था, मंगलकारी था, जहाँ हमारे नायक थे जो आदर्शवादी थे, मूल्यवादी थे, विपरीत परिस्थितियों में भी वो हिम्मत नहीं हारते थे, मूल्य और मर्यादा की डोर नहीं छोड़ते थे। फिर हम लोग बात करेंगे कि विज्ञान और तकनीक में, और सबके उदाहरण जो हमने दिए हैं, और छोटा छोटा, पूरा नहीं देना है, बस एक दो शब्द और डायजेस्ट लिख के। फिर हम लोग बात करेंगे कि त्रासदपूर्ण वर्तमान का विवरण है। इसी त्रासदपूर्ण वर्तमान को खत्म करने के लिए या सुधारने के लिए ही तो वैभवपूर्ण भव्य विरासत का सहारा लेते हैं, और तब अंत में कि उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। और शुरू में हमने कहा कि राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है, तो सबसे शुरू में यह बात जब हम कहेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे, तो गुप्त जी राष्ट्रकवि हैं, और उनकी राष्ट्रकवि होने या उनके राष्ट्रीयता का बोध राष्ट्र की चिंता से जुड़ा हुआ है। उनकी राष्ट्रीयता सच्चे मायने में राष्ट्रीयता है, केवल शोर करने वाली राष्ट्रीयता नहीं, क्योंकि वह राष्ट्र की चिंता करते हुए उस राष्ट्र को बेहतर तरीके से देखने समझने की मुकम्मल दृष्टि लाते हैं। भारत भारती क्या है? वह भारत भारती एक तरह से तत्कालीन भारत का एक्सरे भी है, और उसका इलाज भी है, एक्सरे भी है भाई जो स्थिति है,
और उसको बदलने की छटपटाहट भी है, इलाज भी है। तो हम लोग वहाँ से गुप्त जी के राष्ट्रीयता वाले बात को जोड़ते हुए उसके बाद इन तीनों चीज़ों का ऐसे वर्णन कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता दूँ कि आप शुरुआत करेंगे कि गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी रचना भारत भारती उनकी प्रतिनिधि रचना है। द्विवेदी युग भारतेंदु युग की नवजागरण परक चेतना का विस्तार है और इस विस्तार को अपनी कविता में सबसे विस्तार से समेटने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। नीचे आएंगे, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी राष्ट्रीयता राष्ट्र का हौवा खड़ा करने में नहीं बल्कि बहुत सच्ची और सादगी भरी राष्ट्रीयता है, क्योंकि वह राष्ट्र की वास्तविक चिंता करते हैं, वह राष्ट्र के विभिन्न नसों नब्जों को टटोलते हैं, जहाँ जो नस नब्ज कमजोर हैं उस पर उंगली रखते हैं और उसके बेहतर इलाज की कोशिश करते हैं। भारत भारती उनके इसी प्रयास का नतीजा है। नीचे की पंक्ति में आएंगे कि चूंकि वह नवजागरण के कवि हैं और भारत की बुरी स्थिति से दुखी हैं, उसे बेहतर करना चाहते हैं, इसके लिए वो ओज और ऊर्जा जुटाने के लिए अतीत में जाते हैं, जो शानदार है, बेहतर है, दिव्य है, भव्य है। और अब पीछे की सारी बातें और अंत में कह देंगे और आखिरी लाइन साबित हो गया कि ये वही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।